रियासी शहर नाभा की मल्टीनेशनल कंपनी मिल्क फूड फैक्ट्री में 2000 के करीब वर्कर काम कर रहे हैं। पिछले 8 महीनों से अपनी मांगों को लेकर ये फैक्ट्री के बाहर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, परंतु फैक्ट्री मैनेजमेंट की तरफ से वर्करों की न तो कोई मांग मानी जा रही है और न ही कोई फैसला लिया जा रहा है। और आज मिल्क फूड फैक्ट्री यूनियन के प्रधान मेवा सिंह को मैनेजमेंट ने बर्खास्त कर दिया, और जिसके रोष में वर्करों ने चेतावनी दी है कि यदि फैक्ट्री मैनेजमेंट की तरफ से फैसला वापस नहीं लिया गया तो वर्कर का संघर्ष और भी मजबूत हो जाएगा। फैक्ट्री प्रधान की बर्खास्ती को लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कोई भी घटना न घटे पुलिस प्रशासन की तरफ से फैक्ट्री के बाहर छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस मौके पर नाभा के DSP मनप्रीत सिंह ने कहा कि फैक्ट्री के वर्कर एग्रीमेंट न होने के कारण रोष में हैं। इस मौके पर फैक्ट्री के कर्मचारियों ने कहा कि यदि हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। एक अज सू फोन आया सी हाँ भी मैनेजमेंट तो इतों का कोई इन्हों का यूनियन का कुछ काफ़ी देर का इशू चल रहा है, इन्हों का एग्रीमेंट लैके 3 साल बाद रीन्यू होंगे जरा वह करके कोई इन्हों के मतभेद आ गया सदा करके ट्रेड यूनियन कोई प्रोटेस्ट कर रही है तो जस्ट लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करने वास्ते फोर्स लाए गए हैं। अदरवाइज कोई इदा इशू है नहीं। उन्होंने नोटिस इशू किया कोई, बट ये बारे हाले कोई पुख्ता हाले नहीं है। अपने GM इन्हों के आ रहे हैं, आके गलबात होंगी फिर देखते हैं। अपडेन कर रहे हैं हले, बट बुलाया GM ने बुलाया, देखते उन्होंने को ऑर्डर जो होंगे असं देख के उन्होंने फिर अगर करा गलबात। सर गल तो ये है भी जड़िया मंगा ने साड़िया हर 3 साल बाद साड़ा एग्रीमेंट होंदा, वो मंगा दे विच ही मैनू कहा जाता मेरी यूनियन तो मैनू डराया जाता असी वर्कर का हक मंग रहे हाँ, तो खरीदन की भी कोशिश हो रही है, तो ये भी गल्लां करदे ने, ड्राउन की भी जानलेवा भी धमकी, तो असी प्रशासन को भी चिट्ठिया कढ़िया तो सरकार वालों भी कढ़िया सारिया चिट्ठिया 650 कंप्लेट असी लिखाई, पर किसी प्रशासन ने किसी नहीं साड़ी सुनी। इत्थे दा जो GM है यदा मूँह पैंदा जाई गया, पता नहीं प्रशासन वालों इनू सहया पता नहीं किहदे वालों सहया सानू ये नहीं पता, पर यह इन्ना मूँह पा गया। आम वर्कर की तो इत्थे कुत्ते वांगू जिंदगी हुंदी जांदी है, जदों प्रधानां नू सस्पेंड किया जाता यूनियन किया जाता। अज साडी छोटी जी गलती भी जिवें असी बंदा वो करना ती अंदर इन्हां ने ठेकेदार का बंदा वाड़ता, ठेकेदार का बंदा वाड़ता जिते साडा वर्कर काम करता थी, उत्थों असी ठेकेदार नू कहा भी तुसी साडे काम दे विच दखलंदाज़ जिन्हां दा उन्हां दा पहलां दा ठेका होया बाहरले पासे भी तुसी उह रखो, कहिंदे जी ठीक है, वह चले गए। वो तो बाद इन्हां ने कहा कहिंदे जी हाँ साडा उत्थों तुसी ने वर्कर कढ़िया सस्पेंड करके, मैनू हजे चार्जशीट सस्पेंडरी का दिता, हजे चार्ज जो लाए ने वो नहीं दते भी की लाए ने मेरे ते, चक्के इन्हां ने सस्पेंड करता। मैं उस तो बाद ड्यूटी आना थी 1:15 ड्यूटी आया, मैं बाहर ही निकलिया, जो ड्यूटी तो बाद मैं अपने जूनियर दफ्तर च आया, इतने 5-4 बंदे वर्कर बैठे थे, कुछ जूनियर के मैंबर बैठे थे, उन्होंने मैं दसिया भी मैं सस्पेंड हो गया। उस तो बाद बस वर्कर के फिर पूरा रोस हो गया, कह रहा भी मैं फैक्ट्री के नहीं अंदर जाना जिन्ना चिर सस्पेंड तो साड़ी जूनियर कोई भी बंदा अंदर नहीं लेते जाते, तो हूँ ये वर्कर का रोस आ की करना चाहते ने की वह आ। असी सानू प्रशासन ने भी कहा भी सानू थोड़ा जिहा टाइम दो भी असी छोटा मसला हल कराने, हुण कल्ला मेरा सस्पेंड का नहीं रह गया, हुण तो जो साडा 8 महीने तो एग्रीमेंट लटकदा जिन्ना चिर वो एग्रीमेंट नहीं हुंदा उन्ना चिर साडा संघर्ष बाहरों भी जथेबंदियां साडियां बाहरों भी जूनियर होर बहुत ने, मैं पंजाब का कन्वीनर हाँ फूड लाइन्स पंजाब का, तो सारिया मेरिया जूनियर जथेबंदियां कल नू पहुँच रही ने, असी होर भी वड्डा रोस तो बाजार च भी जा सकते हैं, रोड भी रोक सकते हैं, गेट भी रोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हुण।